आदाब साथियों, द वेयर पॉइंट न्यूज़ में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर नई शराब नीति लागू होने जा रही है। नई आबकारी नीति लागू होने जा रही है। आने वाले 17 नवंबर से सभी लोग इसके लिए लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। 850 नई तरीके से नई दुकानें शराब की खोले जाने के लिए 17 नवंबर से इसका आवेदन किया जाएगा। दिल्ली की हर विधानसभा में 70 विधानसभाओं में हर विधानसभा में 12 शराब के ठेके खोले जाएंगे और हर वार्ड की अगर बात करें तो कम से कम 2 दुकानें और ज़्यादा से ज़्यादा 8 दुकानें प्रीमियम क्लास की खोली जा सकती हैं। सरकार के मुताबिक इस नई शराब नीति से तमाम लाइनें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और लोगों को शराब लेने में आसानी हो जाएगी। दिल्ली की पहले ही सरकार युवकों की शराब पीने की जो एक उम्र है, जो कानूनी तौर पर है, वो 25 साल से घटाकर 21 साल की कर दी गई थी। इसका विरोध पहले ही दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कर चुकी है, लेकिन ये नई शराब की नीति भी अब दिल्ली के अंदर लागू होने जा रही है। अलग अलग वार्डों में शराब के लिए ठेके बनाए जा रहे हैं, शराब के उनको लाइसेंस दिया जाएगा और फिर नई शराब की दुकानें हर वार्ड में खोली जाएंगी। इन शराब की नई नीतियों का कई जगह दिल्ली में विरोध देखा जा रहा है। पहले ही पिछले कई दिनों चौहानबागड़ से पार्षद चौधरी ज़ुबैर अहमद का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो डिप्टी कमिश्नर एमसीडी के उनको धमकी देते हुए नज़र आ रहे थे। क्या कुछ कह रहे थे वो आपको सुना होगा, लेकिन मैं आपको एक बार ज़रूर सुनाना चाहूँगा कि चौधरी ज़ुबैर अहमद ने नई शराब आबकारी नीति के लिए क्या कुछ कहा सदन में और क्या कुछ कहा डीसी से, सुनिए ज़रा। उसमें 3 ठेके खुलने हैं, वो सड़क, वो जो रोड है, जो एरिया है, वो एमसीडी का है। क्या ठेके खोलने के लिए एमसीडी की किसी परमिशन की जरूरत नहीं है क्या? एक तो उसका मुझे जवाब दे दिया जाए। और क्या इलाके की अगर जनता नहीं चाहती कि ठेका नहीं खुले, उसके बावजूद भी क्या ठेके खुल सकते हैं, उसका कोई सोल्यूशन या कोई तरीका हो उसका बताया जाए। और चेयरमैन साहब, मैं अपने वार्ड में मैं यहाँ कह के जा रहा हूँ, ठेका खुलने नहीं दूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे आग लगानी पड़े, मुझे कुछ करना पड़े। इसके लिए मेरे पास बहुत तरीके हैं। उसके लिए आप पूछ रहे हो छूट नौकरी के लिए, एक विषय तो ये बता दूं आपको, जो ठेकों का विषय है वो विषय नियम का नहीं है। एक बात अब आप चेयरमैन साहब, एक सेकंड चेयरमैन साहब, अगर आप हमको एल ओ सी दे रहे क्या? हमारी कोई एल ओ सी नहीं है। बिना एल ओ सी के ठेका खुलेगा नहीं क्योंकि परचून की दुकान का भी लाइसेंस चाहिए एमसीडी से, ठेका खोलने का बिना उसके। निगम की कोई निगम के है कोई? मेरे वार्ड में हमारी कोई एल ओ सी नहीं है। मेरे वार्ड में आप एन ओ सी देंगे नहीं साहब, बड़ा मेहरबानी, और एन ओ सी दी तो इसका झगड़ा होगा आपसे। मैं अपने वार्ड में ठेका खुलने नहीं दूंगा चाहे कुछ हो जाए। धन्यवाद, बहुत। देखा आपने कि खुले तौर पर चौधरी ज़ुबैर अहमद चौहानबागड़ सीलमपुर से पार्षद पूर्व एमएलए चौधरी मतीन के बेटे खुलेआम, माफ़ कीजिएगा, हमने आपको डीसी डिप्टी कमिश्नर कहा था, लेकिन चेयरमैन साहब से कह रहे हैं कि मेरे वार्ड में कहीं भी एक शराब का ठेका नहीं खुलेगा, और खुले तौर पर उन्होंने एक तरह से धमकी दी है कि अगर खुला तो मुझसे ज़्यादा बुरा कोई नहीं होगा। यही नहीं, उन्होंने एलजी साहब को भी, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल को भी उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा, उसका भी तस्वीर आप एक बार ज़रूर देख लीजिए, और क्या कुछ उन्होंने अपने सदन में कही उस वीडियो के बाद, उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिए। चौधरी ज़ुबैर अहमद, निगम पार्षद, चौहानबागड़ वार्ड, दिल्ली। आज हम लोग गवर्नर साहब के पास आए थे एक अपील लेकर। दिल्ली सरकार जो शराब की नीति लेकर आई है, एक वार्ड के अंदर 3 ठेके, उसका हम विरोध करते हैं। हमने गवर्नर साहब से अपील की है कि शराब किसी भी सभ्य समाज के अंदर अच्छी नहीं मानी जाती। जब वार्ड के अंदर 3 ठेके खुलेंगे, इससे नशाखोरी बढ़ेगी, लोग परेशान हैं, कारोबार नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और इस पेंडेमिक के टाइम पे जब शराब के ठेके खुलेंगे तो लोग कहीं शराब के आदि ना बन जाए, जिससे हमारी नौजवान नस्ल शराब में डूब जाएगी, नशे में डूबेगी, इसका नुकसान होगा। परिवार पहले ही दुखी है, शराब हमेशा नुकसान करती है, कभी भला नहीं करती। गवर्नर साहब से अपील की है कि आप इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए इस नीति को तुरंत रद्द करें और दिल्ली को, नौजवान नस्ल को, दिल्ली को बचाएं। दिल्ली सरकार एक नीति लाई है, हर वार्ड के अंदर 3
जहर का बिकना, जहर का बिकना आखिर बंद कराए कौन? हर ठेके पर यही लिखा है ये ठेका सरकार। ठेके दिल्ली में बंद है, वहीं दिल्ली में हर घर में शराब बिक रही है, इसके लिए क्या कहेंगे आप? दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था पंजाब में जाके कि मैं पंजाब को नशा मुक्त करूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री नई स्कीम लाए हैं, एक वार्ड के अंदर तीन ठेके। मुझे ज्यादा लंबा तो पता नहीं, मुझे अपने यहाँ का पता है, जो मेरे यहाँ जिसने टेंडर लिया है उस आदमी ने एक जोन लिया है, एक जोन की कीमत 283 करोड़, तकरीबन 12 करोड़ रुपए में एक ठेका उसने लिया है। 100% मुस्लिम आबादी का क्षेत्र है मेरा, वहां पर तीन ठेके खोलेगा। तीन ठेके जब वो खोलेगा, 36 करोड़ रुपए के तीन ठेके हैं उसके, तो उसकी कमाई भी उसे करनी है। 36 करोड़ लगाएगा, 36 करोड़ कमाएगा भी, और कमाने के लिए उसे गली गली दारू बांटनी पड़ेगी, पूरा इलाका नशे में डूबेगा तो दारू बिकेगी। मुझे एक याद आती है, मैंने मेयर साहब को भी कहा था, 25 साल पहले एक कंपनी आई थी पेस्ट की, जो व्हाइट कलर का पेस्ट बेचती थी, उसने आके नीला और लाल रंग का पेस्ट फ्री में बांटना शुरू करा, छोटे छोटे से पैकेटों में। अब जब वो बांटा तो हफ्ते 10 दिन बाद लोग उसकी डिमांड करने लगे कि लाल वाला पेस्ट चाहिए बच्चे, ये मिनीचर बांटेंगे वो छोटे से, उसमें 15 ml 20 ml का ले जाके गली गली बांटेंगे, पूरा इलाका नशे में डूब जाएगा। ये ऐसे वाक्य हो रहे होते हैं तो इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जो हमने पुलिस को भी दिया था कि घर घर शायद दारू बिक रही है, लेकिन उसका भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इसका क्या? मैंने तो साहब अपने मेयर से कमिश्नर साहब से कहा है, आज फिर मुद्दा उठाऊंगा कि आप लोग पान की दुकान का, चाय की दुकान का, परचून की दुकान का तो लाइसेंस मांगते हो, दारू तुम्हारे बिना मर्जी के कैसे बिक जाएगी भाई? आपने क्यों उसके लिए लाइसेंस की वो नहीं रखी है, और आपके लाइसेंस के बिना कैसे वो खोल लेगा? एमसीडी का एरिया है, एमसीडी आज मैं तो कहता हूँ सदन के अंदर जाकर इतिहास रचे, आप इतिहास के पन्नों में आपका नाम दर्ज होगा। आज आप यहाँ से प्रस्ताव पास करके भेजो कि निगम के एरिया में दारू का ठेका हम नहीं खुलने देंगे, हमारी परमिशन के बिना नहीं खुलेगा, आप परमिशन दो मत, उसे खोल ही नहीं सकते। चौधरी जुबैर ने पहले अपने जोन के चेयरमैन और उसके बाद सदन में भी अपनी आवाज़ को बुलंद किया, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि ये जोन 283 करोड़ का बेचा गया है। क्या इसकी हकीकत है, क्या इसका सच है, ये तो दिल्ली सरकार या उनका कोई नुमाइंदा ही बता सकता है। लेकिन इस नीति से, इस नई आबकारी नीति से ये बात ज़रूर जग जाहिर है कि आने वाले वक्त में दिल्ली के लोगों के लिए काफ़ी परेशानी और दिक्कत और उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए बढ़ने वाली है, क्योंकि इस नई शराब नीति के मुताबिक हर विधानसभा में 12 ठेके और हर वार्ड में 4 या 3 ठेके बनने तय हैं। यही एक बात मैं आपको दूसरी दरियागंज में लेकर आता हूं, जो जंगपुरा में, जंगपुरा विधानसभा के अंदर आता है, दरियागंज के बिल्कुल सामने मस्जिद रोशन उद्दौला के सामने। यहां एक ठेका बनाने की तैयारी की जा रही है, फर्निशिंग का काम शुरू किया गया, उससे पहले ही तमाम मार्केट एसोसिएशन, बाज़ार के लोग और स्कूल्स और मस्जिद की कमेटियां विरोध कर रही हैं। और आज दिल्ली के तिमारपुर में मार्केट एसोसिएशन द्वारा एक बड़ा विरोध मार्च शराब की नीति के खिलाफ, दिल्ली सरकार के खिलाफ किया गया। मैं फ़िलहाल आपको वही कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। मैंने आपको बताया कि इस नई आबकारी नीति से कई लोग दिल्ली में विरोध कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी पहले ही इसका विरोध कर चुकी है, और उन्होंने ये कहा कि हम दिल्ली के लोगों को या दिल्ली के युवाओं को नशे का आदि नहीं बनाना चाहते हैं। इसी को लेकर मौजपुर मार्केट एसोसिएशन, महिला जागृति मंच, RWA प्रेसिडेंट्स ने मिलकर, तमाम लोगों ने मिलकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन शराब का ठेका नहीं खुलने देंगे को लेकर किया। हाथ में बैनर तख्ती नज़र आ रही है, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए ये प्रदर्शनकारी, और इनकी जो मांग है वो ये है कि दिल्ली के अंदर शराब का ठेका मौजपुर में नहीं दिया जाए। हमारा एक उद्देश्य है कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए इसके लिए आपको तन मन और धन से सभी को समर्पित होना पड़ेगा, अन्यथा इस कॉलोनी की, इस मौजपुर क्षेत्र का जनता विरोध करेगी तो वहां से आपका ठेका नहीं खुलेगा। नहीं खुलेगा।
तो सुना आप लोगों ने, तमाम जो मंच पर लोग मौजूद हैं वो यही मांग कर रहे हैं कि मौजपुर में हम शराब का ठेका नहीं खुलने देंगे, अपने बच्चों को नशे का आदि नहीं बनने देंगे और नया आबकारी नीति लागू हम अपने क्षेत्र में नहीं होने देंगे। सभी चीज़ों को भूल कर इसको लागू मत होने दीजिए। इसी तरह की तस्वीर दिल्ली के दरियागंज रोशन उद्दौला से है। वहाँ पर भी मस्जिद के सामने और स्कूल के करीब में और एक अनाथ आश्रम जिसे बच्चों का घर दिल्ली वक्फ बोर्ड की अंडरटेकिंग में है, वहाँ पर भी खोला जा रहा है और उस ठेके का विरोध वहाँ के मकामी और जितने भी मार्केट एसोसिएशंस हैं, स्कूल्स भी, वो तमाम लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री समेत दिल्ली के LG को भी लेटर लिख चुके हैं। लेकिन फ़िलहाल वहाँ पर भी अभी काम जारी है। क्या कुछ होगा और उसमें अब विधायक की दखलंदाजी हुई है, ये सारी चीज़ें देखने लायक होंगी।